हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कनिष्का है और हम एमईसी 101 या 001 का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मोनोपोली यूनिट 8 का। तो उसमें हमारी ये सेकंड वीडियो है, एक वीडियो पहले कवर हो चुकी है उसी यूनिट की। तो सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है मोनोपोलिस के केस में, when a monopolist charges different prices from different buyers then they are called discriminating monopolist। अगर एक monopolist अलग अलग price चार्ज कर रहा है अलग अलग buyer से या अलग अलग consumer से, तो उस monopolist को बोलेंगे हम, उस producer को बोलेंगे हम discriminating monopolist, या seller को हम बोलेंगे discriminating monopolist। तो जो अलग अलग prices अलग अलग buyer से sell करता है उसको price discrimination बोलते हैं। Discrimination is not possible under perfect competition। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो प्राइस टेकर नहीं होते। प्राइस उनका पीछे से फिक्स होके आता है, पर मोनोपोलिस में वो प्राइस टेकर होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, अगर वो अलग अलग प्राइस पे बेचने गए तो उनका एक भी आइटम नहीं बिकेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन में क्या है, Q1 हमने और Q2 हमने क्वांटिटीज ले ली है, टोटल अमाउंट हमने सोल्ड किया है Q1 प्लस Q2। अब TR1 निकालेंगे, अब Q1 के लिए हम TR1 और TC निकालेंगे और Q2 के लिए TR2 और TC2 निकालेंगे। तो TR1 कैसे निकलेगा, TR1 क्वांटिटी 1 के लिए और TR2 क्वांटिटी 2 के लिए, और TC जो है तो TC Q1 Q2 प्लस करके एक साथ ही लिखा है। तो TR1 प्लस TR2 एक साथ लिख देंगे प्लस करके। प्रॉफिट कैसे निकलेगा इसका, TR माइनस TC करके। तो TR माइनस TC में अगर हम प्रॉफिट का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमें TR का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू और TC का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब इसके बाद क्या आता है कॉन्सेप्ट, अगर हम क्वांटिटी 1 से करते हैं Q1 से, तो Q1 की जगह पे हम Q की जगह पे हम Q1 लिख देंगे और TR की जगह पे TR1 लिख देंगे। TC सेम रहेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी TC सेम ही रखा है। और अगर हम Q2 करते हैं तो TR2 आ जाएगा और TC सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में सेम है। अब इसको हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या इक्वेट कर सकते हैं कि ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों टर्म इसमें सेम है। तो ये दोनों टर्म हमने कॉमन ले लिया है, डेरिवेटिव ऑफ TC विद रिस्पेक्ट टू Q हमने कॉमन ले लिया, और इसके इक्वल्स टू में क्या आया कि डेरिवेटिव ऑफ TC विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ TR1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज इक्वल टू TR2 विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो ये सब कुछ इक्वल रहेगा, मतलब इसका क्या है कि MC इक्वल रहेगा MR1 के और MR2 के, मतलब जो भी MR और MR, अगर हम दो दो फॉर्म ले रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्री के, एक ही इंडस्ट्री के दो दो फॉर्म ले रहे हैं, तो MC जो रहेगा वो तीनों इक्वल रहेंगे, मतलब MC MR1 के भी इक्वल रहेगा और MC MR2 के भी इक्वल रहेगा। ये डायग्रामेटिकल देख लेते हैं हम, तो ये सिर्फ MR1 का है और ये MR2 का है, मतलब ये Q1 फॉर्म का है और ये Q2 फॉर्म का है। तो AR1 और MR1 हमने बना दिया, AR2 और MR2 हमने बना दिया इसमें। तो हम अब ये इंडस्ट्री का देखते हैं, इंडस्ट्री का मतलब Q1 प्लस Q2 दोनों ऐड करके। तो दोनों ऐड करके अगर हम मार्जिनल कॉस्ट देखें तो मार्जिनल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी क्योंकि हमने दोनों फर्म की कॉस्ट सेम रखी थी। दोनों फर्म की क्या कॉस्ट, इंडस्ट्री की कॉस्ट सेम ही रहती है, जितनी भी इंडस्ट्री में फर्म्स रहती हैं सबकी कॉस्ट सेम रहती है, बस उसका मार्जिनल रेवेन्यू चेंज होता है, टोटल रेवेन्यू चेंज होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हमने MR1 और MR2 ले लिया है। अब इनका जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा उसी को हम ई पॉइंट ले लेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम। और तो इससे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल जाएगी। अब आगे चलते हैं डेडवेट लॉस के कॉन्सेप्ट में, और डेडवेट लॉस को वेलफेयर कॉस्ट भी कहा जाता है। देयर इज नेट लॉस ऑफ वेल बीइंग बिकॉज मोनोपोलिस प्रोड्यूसेस एन इनएफिशिएंट मिक्स ऑफ आउटपुट। ये क्यों होता है, क्योंकि एक लॉस होता है, नेट लॉस होता है क्योंकि मोनोपोलिस जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा है इनएफिशिएंट मिक्स, मतलब एक हमारे पास बॉक्स आएगा वो इनएफिशिएंट रहेगा। ये हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इट इज़ अ नेट लॉस ऑफ सरप्लस, सरप्लस का नेट लॉस है, मतलब प्रॉफिट का। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सरप्लस का नेट लॉस है, प्रॉफिट का नेट लॉस। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो डायग्राम में चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने ले लिया है AR, AR के बाद MR, ये तो अब आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या, अब आपको रटी क्या होगा देखते देखते कि AR और MR कहाँ कहाँ बनेंगे। और AC और MC हमने इक्वल कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमें डेडवेट लॉस का दिखाना है कॉन्सेप्ट। तो डेडवेट लॉस इसी कॉन्सेप्ट में आता है जब AC MC के इक्वल रहेगा, MC का कोई एडिशनल कर्व नहीं बनेगा, तो नहीं बनना चाहिए MC का एडिशनल कर्व। तो यहाँ पे MR और MC कहाँ पे इक्वल हो गए, E पॉइंट पे इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम लेवल का Q वाली क्वांटिटी ले ली, Q नॉट आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे डिमांड कर्व तक, तो यहाँ पे आ गया P1, प्राइस का क्वांटिटी आ गई, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब ये आ गया और यहाँ पे Q आ गया, इक्विलिब्रियम निकल गया हमारा। पर जब ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल इनएफिशिएंट है, मतलब इनएफिशिएंट मिक्स प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोलिस, ये कंज्यूमर सरप्लस में जाता है, कंज्यूमर सरप्लस, और ये वाला होता है प्रोड्यूसर सरप्लस नीचे वाला। तो ये कंज्यूमर सरप्लस में जो भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ रहा है, मतलब हमें MEC यहाँ से कट नहीं करा ना, यहाँ से कट करता तो नहीं आता। अब MEC हमारा स्ट्रेट जा रहा है, MC हमारा स्ट्रेट जा रहा है, MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो ये वाला ट्रायंगल जो हो गया, ये हो गया डेड वेट लॉस, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंट मिक्स एक मोनोपोलिस प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे आता है बाइलेटरल मोनोपोली का कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट एंड ओनली वन बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मोनोपोली तो है, मोनोपोली कैसे कि एक सेलर रहता है, पर बायलेटरल कैसे है, इसका नाम बायलेटरल कैसे पड़ा, क्योंकि वहाँ पे वन बायर भी रहता है, एक ही सेलर होगा और उसका एक ही बायर होगा। जैसे किसी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है कुछ और वो सिर्फ एक ही सेलर को प्रोड्यूस कर, एक ही सेलर को वो सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट आगे सेल करने के लिए, तो बायर भी उसका एक ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में हमने वाई एक्सिस में प्राइस और कॉस्ट ले लिया है और यहाँ पे क्यू आउटपुट ले लिया है। अब डी या AR और MR तो वैसे ही बनेंगे। अब यहाँ पे MC से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये MCS हमने किसको लिखा है, जो MCS टोटल फॉर्म अगर हम एक फॉर्म का काउंट करते हैं तो उसका आता है। और MCB किसका लिखा है, MCB होता है बायलेटरल मोनोपोली का, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक ही बायर रहेगा, तो उस बायर का MCB बायलेटरल मोनोपोली का मार्जिनल कॉस्ट कब बन गया है। अब यहाँ पे देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है। अब अगर हम MCS से देखते हैं, तो MCS से इक्विलिब्रियम निकाल के हम आगे डिमांड कब तक एक्सटेंड करके PS क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर अगर हम MCB से देखते हैं, तो MCB से अगर हम MR को कट करते हैं तो E पे कट करेंगे, आगे डिमांड कर्व पे एक्सटेंड करके P1 हमारी क्वांटिटी आ रही है प्राइस की। तो अब इसमें फ़र्क रहेगा कि प्राइस की क्वांटिटी और आउटपुट की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी बायलेटरल मोनोपोली में सिंपल मोनोपोली से। यही इसका कॉन्सेप्ट था, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी कभी नहीं आया है ये, बस कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा दिया है आप लोगों को। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, प्राइस वन दिया हुआ है, मतलब फॉर्म वन का प्राइस दिया हुआ है, फॉर्म टू का प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट कर्व गिवन है। अब इसमें हमें प्राइस, क्वांटिटी, प्रॉफिट और इलास्टिसिटी निकालने हैं। अब हम ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, TR1 क्यों लिया है, TR1 और TR2 अलग अलग निकलेंगे क्योंकि एक फॉर्म वन है और एक फॉर्म टू है। तो उसके लिए P1 और X1, अब हमने क्वेश्चन में क्या गिवन था, X गिवन था, X मतलब आउटपुट जो हम अब तक क्यू लेते आए हैं। तो अब हम ये X के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो P1 X1 हो जाएगा। तो P1 कितना दिया हुआ था आपको, दिया हुआ था 80-5X1। तो इसमें अगर हम X1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है, तो TR की वैल्यू आ गई। अब MR1 की वैल्यू आ जाएगी अगर हम TR1 को डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू X। तो अगर हमने इसको डेरिवेटिव कर दिया तो वैल्यू आ गई 80-10X1। अब हमें TC गिवन था, मतलब कॉस्ट कर्व गिवन था 50+20X। तो TC गिवन था 50+20X। अब इसका हम MC निकाल देंगे, तो MC TC को डेरिवेटिव करके निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू X, तो जो कि आ गया है सिंपल 20, मतलब MC आपका 20 है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे जिसमें MR1 MC के इक्वल रहेगा। तो MR1 की इक्वेशन हमने निकाली थी और MC की भी निकाली थी 20। अब यहाँ से X1 की क्वांटिटी निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आई है 6।
अब पी वन निकालेंगे, मतलब पी वन हमें क्वेश्चन में गिवन था 80 - 5x, तो यहाँ पे x की जगह हम 6 रख देंगे, तो हमारी पी वन की वैल्यू निकल गई है 50। अब प्राइस एक फर्म का निकल गया, क्वांटिटी भी एक फर्म की निकल गई, अब दूसरी फर्म की निकालनी है। दूसरी फर्म की निकालने के लिए यही सेम कॉन्सेप्ट करेंगे टी आर टू से, पर उससे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं फर्म वन का। तो प्रॉफिट के लिए टी आर वन माइनस टी सी करेंगे, टी आर वन हमें हमने निकाला था वही वाला लिखेंगे, और टी सी भी हमें क्वेश्चन में गिवन था वही लिखेंगे। अब इसमें क्यों एक्स वन की वैल्यू डाल देंगे 666, तो 6 वैल्यू डालने से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, तो जो कि आ गया प्रॉफिट हो गया 130 रुपीज़ का। अब हम निकालेंगे सेकेंड फर्म का, तो सेकेंड फर्म का भी टी आर टू निकलेगा, पी टू एक्स टू, अब यहाँ पे एक्स टू मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्म टू का है, तो फर्म सेकेंड का भी निकाल देंगे हम टी आर टू, जो हमें टी आर क्वेश्चन में गिवन था उससे हम एक्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई है। एम आर टू निकल जाएगा डेरिवेटिव करके टी आर टू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू, तो जो कि 180 - 40x2 निकल गया है। और एम सी तो हमें सेम गिवन था 20, हमने निकाल लिया था पिछले कॉन्सेप्ट में, तो वो 20 ही रहेगा। अब आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एम आर टू एम सी के इक्वल रहना चाहिए, तो एम आर टू भी हमने निकाला था, एम सी भी हमने निकाला था, इक्वल रख देंगे, वहाँ से एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई है 4। और पी टू अगर हम पी टू वाले इक्वेशन में एक्स टू की वैल्यू रख देंगे 4, तो 4 रखने के बाद वैल्यू पी टू की आ गई है 100, तो प्राइस 2 और एक्स टू भी आ गया है। अब हमारा प्रॉफिट बचा फर्म टू का, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे टी आर टू माइनस टी सी करके, टी आर टू भी हमें गिवन था, टी सी भी हमने गिवन था, और इसमें एक्स टू की वैल्यू 4 आई है, तो 4 रख देंगे एक्स टू की जगह में, तो एक्स टू की जगह में 4 रखने के बाद हमारा प्रॉफिट आ गया है 270 का। तो प्रॉफिट फर्म सेकेंड का आ गया है 270 रुपीज़। हमारे पास प्रॉफिट प्राइस और क्वांटिटी आ गए, अब इलास्टिसिटी रह गई है। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी मल्टीप्लाई में पी इंटू में एक्स। तो पी वन हमें गिवन था, ये पी वन हमें गिवन था 80 - x1, और x1 हमने निकाल लिया इसमें इक्वेट करके, p1 को इधर लाके और x1 को इधर लाके हमने इक्वेट कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गई है x1 की। अब इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए इलास्टिसिटी के लिए, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p1, तो ये निकला है -1/5। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम p2 का भी निकाल लेंगे, p2 की अलग इक्वेशन थी, तो e2 अलग आएगा और e1 इसमें अलग आएगा, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा e1 आ रहा है 1.67। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस से p2 x2 निकालेंगे, p2 के इक्वेशन से ही x2 डिराइव कर लेंगे, जो कि आ गया है 180/20 - p2/20। अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे p2 के रिस्पेक्ट में, तो -1/20 आंसर आ गया है। अब ऐसे ही e2 निकाल लेंगे, -1/20 मल्टीप्लाई में 100/4, 100/4 p2 और x2 की वैल्यू लिख के, अब इसका आंसर आ गया है 1.25। तो e1 और e2 भी आ गए हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया है। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और आगे आने वाले लेसन देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।